2018 ये वो साल था जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उन दिनों विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। हार ऐसी हुई कि पार्टी के अंदर बगावत के सुर सुनाई देने लगे, जिसकी रोज नई खबरें सामने आ रही थी, जिसका खामियाजा पार्टी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता था। खैर, राजनीति हो या आम जीवन, जहां समस्या होती है वहीं समाधान भी होता है। यहाँ बीजेपी के लिए समाधान बने सीपी जोशी, जो जब चुनावी समर में उतरे तो बीजेपी को जीत दिलाकर ही रुके। 2023 ये वो साल था जब बीजेपी का मरुधरा में कमल खिला और इसके पीछे थे सीपी जोशी। पेश है ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले सीपी जोशी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 23 मार्च 2023 को अपना पदभार ग्रहण किया था। यानी पिछले साल 23 मार्च 2023 को पार्टी ने उन दिनों के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया को हटाकर चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद सीपी जोशी को प्रदेश की बागडोर सौंपी थी। उस वक्त जोशी के सामने दो सबसे बड़ी चुनौती थी, एक पार्टी को राजस्थान में जीत दिलाना और दूसरा पार्टी और संगठन को सूबे में मजबूत करना। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे में उस वक्त कांग्रेस की गहलोत सरकार सत्ता में काबिज थी और गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दी थी। पदभार संभालने के दौरान ही जोशी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया और सबसे बड़े चैलेंज को भी पार करने की कवायद में जुट गए। चैलेंज था पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में विजयी बनाना। शायद इस वजह से ही उन्होंने पहले से ही पार्टी को मजबूती देने के साथ जनसभाएं करनी भी शुरू कर दी और तो और नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करने लगे थे। अपने सहज स्वभाव और सबका साथ सबका विश्वास विजन के साथ जोशी आगे बढ़े और जमीनी स्तर पर जाकर आमजन से सीधा संवाद किया, जिससे केंद्र और बीजेपी की योजनाओं को सही तरीके से जन जन तक पहुँचाया जा सके। पदभार संभालने के दौरान ही सीपी जोशी ने मंच से हुंकार भरी और कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया कि कोई भी मेरे नाम का नारा नहीं लगाएगा, बल्कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाए जाएंगे। साथ ही जोशी ने खुद को एक आम कार्यकर्ता कहकर ये संदेश भी दिया कि कोई भी खुद को पार्टी से ऊपर नहीं समझेगा, सभी सिर्फ पार्टी के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही सीपी जोशी ने ये भी ऐलान किया कि जब तक पार्टी की प्रदेश में सरकार नहीं बन जाती, तब तक वो साफा नहीं पहनेंगे। पंडाल में विराजमान पूरे प्रदेश भर से आए हुए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज एक बार मैं नारा बुलाऊंगा, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, वंदे मातरम। अब इसके अलावा कोई नारा नहीं होगा, मेरा माफ करो, मुझे सौगंध दिलानी होगी। अगर मुझे जीना देखना चाहते हो तो मेरा नारा आज के बाद मत लगाना। मैं क्या आप ऐसे साधारण कार्यकर्ता हूँ और आप में से किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देनी थी, मेरे से कई योग्य और कई वरिष्ठ और कई अनुभव के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते किसी को ये भूमिका देनी थी, मुझे दी है, तो मुझे सम्मान, आपका आशीर्वाद चाहिए, इस राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने। अब ऐलान इतना बड़ा था तो नतीजा भी बड़ा ही आना था, फिर क्या। 3 दिसंबर 2023 ये वो समय था जब राजस्थान से बीजेपी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंका और मरुधरा में 115 सीटों के साथ कमल खिला दिया। सीपी जोशी की कुशल संगठनात्मक कार्यशैली से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खासे प्रभावित हैं। यही कारण है कि हाल ही में पार्टी ने सीपी जोशी को एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कमल खिलाने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। खैर, विधानसभा चुनावों की जीत के साथ ही जोशी लोकसभा चुनावों के रण में उतर चुके हैं। यही कारण है कि राजस्थान में सत्ता और संगठन एक साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। अक्सर राजनीतिक दलों में कई बार सत्ता और संगठन में तालमेल का अभाव देखने को मिलता है, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की जोड़ी प्रदेश में मिशन 25 को पूरा करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही है।